जिला सिरमौर के धौला कुआं के नौरंगाबाद गुज्जर कॉलोनी के लोगों की तकलीफ सुनकर आप भी खुद तकलीफ में आ जाओगे। दरअसल गांव की आबादी लगभग 600 से अधिक है और सुविधाएं ना के बराबर है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही है, जिसके चलते यहां के लोग दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करने को मजबूर है। विकासखंड पौंटा साहिब के ग्राम पंचायत धौला कुआं के नौरंगाबाद गुज्जर बस्ती अनपढ़ का अनुपात बहुत अधिक हो गया है। लगभग 10 बच्चों में से एक अनपढ़ पैदा है। यही नहीं, अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार भी हो चुके हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो गर्भवती महिलाएं हो या अन्य बीमार व्यक्ति को डिस्पेंसरी तक 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। नेता वोट मांगने आते हैं और उसके बाद 5 साल तक दोबारा शक्ल तक नहीं दिखाते। गुज्जर बस्ती में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि 250 से अधिक लोग मतदान करते हैं, उसके बावजूद भी नेता हो या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते यहां के लोग अनपढ़ भी हैं और सुविधाओं के लिए भी तरस रही हैं। दशमेश रोटरी बैंक नाहन द्वारा गुज्जर बस्ती के लोगों की तकलीफ सुनकर गांव में पहुंचे और लगभग 50 से अधिक परिवारों को राशन वितरण किया गया। यही नहीं, चंडीगढ़ से एक स्पेशल फिरोजी थेरेपी डॉक्टर को बुलाकर अपंग बच्चों को फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करवाई तो वही डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को परमानेंट इलाज की आवश्यकता है, अन्यथा यहाँ के सैकड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार ही रह सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर भी अब इस बस्ती के लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे और शासन प्रशासन तक भी इस मामले को उठाएंगे। हमारी पंचायत धौला कुआं गुज्जर कॉलोनी नौरंगाबाद में बहुत से बच्चे हैंडीकैप है और इन बच्चों की आज तक कोई भी मेडिकल की सुनाई, कोई भी देख रेख इन बच्चों की नहीं हो रही है। अब हमने एक टीम की सहायता के साथ इन बच्चों के मेडिकल बनाए हैं और अभी भी और भी बच्चे बाकी हैं, कुछ उनके भी जल्दी से जल्दी मेडिकल बनाए जाएंगे और उनकी टीम मेडिकल बनाने के अंदर सहायता कर रही है। और बहुत से हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें परेशान करते हैं, कभी उधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं। टीम की सहायता से यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है और नहीं यहाँ पे जैसे डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो आज की बजाय पर्ची पे लिख देते हैं कि कल आना, हमारे कल जाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। अधिकतर लोग क्या काम करते हैं आगे? यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं, कभी एक दिन मिलता है कभी एक दिन नहीं मिलता, ऐसे ही गुजारा चलता है और जो कमाते हैं वही लोग खाते हैं। बच्चे कितनी जनसंख्या है यहाँ गाँव की? यहाँ पे 400-500 जनसंख्या है। 898 है, 898। अच्छा, ये यहाँ पर लगभग 290 या 300 के आसपास तो वोटर मौजूद है इस गांव में, तो यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा, यहाँ कोई डिस्पेंसरी, कोई हेल्थ सेंटर है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, कोई हेल्थ सेंटर नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। कई बार बताया, बोला बनाया अभी तक किसी ने। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रॉपर चेकअप करवा पाती है यहाँ से जाकर हॉस्पिटल में? कभी कभार जैसे कोई आशा वर्कर लेकर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना, कहाँ पे पड़ता है यहाँ हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरी? कोई कितनी दूरी पर है यहाँ से? 5-7 किलोमीटर की दूरी पर। 7 किलोमीटर? हाँ जी, 7 किलोमीटर। वाहिगुरु जी, आके रिसर्च किता देखे बच्चा नु न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 15 साल तो लेके बहुत छोटे बच्चे है, कई बच्चे तो कुपोषण तो ही हो रहे हैं, कई बच्चे कुपोषण नाल है, किसी बच्चे न्यूरो दी 99% बच्चे न्यूरो दी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर से रेकमेंड करांगे इत्थे तो कुछ हद तक बच्चे सर्वाइव तक तो ले जाया जा सकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पौंटा साहिब से दीवान शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।